सो हेलो, सो वेलकम बैक टू अनदर दिस टी एंड यू वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को बनाना है पैसा ऑन इंस्टाग्राम, तो उसके लिए वीडियो आप लेके आइए। जैसे कि मैंने एक वोटिंग कराई थी कम्युनिटी में, आपको पता है, जिसमें 56% लोगों ने कहा है कि उन्हें इंस्टाग्राम से ही अर्निंग करनी है, ना फेसबुक से और ना ही यूट्यूब से। बहुत ही कम परसेंट था यूट्यूब एंड फेसबुक का, बट इंस्टाग्राम का बहुत ही ज्यादा और काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स था आप लोगों का कि आप लोगों को इंस्टाग्राम से अर्निंग करनी है। तो गाइज, मैं बोलूंगा कि आप बहुत सही ट्रैक पे हो, क्योंकि ट्रेंडिंग जो चीज चल रही है वो इंस्टाग्राम ही है। अगर इंस्टाग्राम में आप ढंग से ध्यान देते हो तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम नीश, ओनली नीश, कि नीश से कैसे $1,000 अर्न करें। तो नीश का मतलब क्या होता है? नीश का मतलब होता है सब्जेक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप माउस सेल कर रहे हो तो माउस सेल करो, कीबोर्ड सेल कर रहे हो तो कीबोर्ड सेल करो, कंप्यूटर सेल करो तो कंप्यूटर, मोबाइल सेल करो तो मोबाइल। तो नीश, इसको नीश बोलते हैं, एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया। तो गाइस, उससे पहले मैंने दो वीडियो और रिसेंट बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस वीडियो को फुलफिल करने में। मतलब ये जो वीडियो आपको दिख रही है ऑन स्क्रीन, ये इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं इस वीडियो को, और इन 7 days कैसे 1,000 फॉलोअर्स गेन करें, ये दो वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको देखना। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। और ये दोनों वीडियो को मैंने इसलिए कहा है कि देखने, क्योंकि यहाँ मैंने बेसिक समझाया है कि ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आज आगे बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम नीश के ऊपर कि $1,000 बनाना कितना ईजी है। ठीक है, पहले भी मैंने उसमें बता दिया है, जो ये वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, तो यहाँ मैंने बताया था कि $1,000 कैसे कमाया जा सकता है लेस देन 1K फॉलोअर। तो वही चीज को यहाँ अपन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि नीश सर, मेरे पास ये नीश है, मेरे पास वो नीश है, तो हम कैसे करें, राइट? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई गाइज मैं आज सॉल्व करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे बहुत ही ज्यादा इजी किसी भी नीश का यूज करके $1,000, ऑलमोस्ट $1,000, या मिनिमम बोल सकता हूँ मैं, $1,000 तो बना ही सकते हो। उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकते हो। अगर आपको ज्यादा फॉलोअर्स तो आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला गाइज मैं बोलूंगा, जो नीश है, जो टॉप में नीश है, उसको बोलते हैं गाइज फिटनेस नीश। फिटनेस गाइस, फिटनेस नीश इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल है। और जो सेकंड है गाइस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपको पता होगा अभी काइली जेनर, ठीक है, इस बंदी ने, जो यंगेस्ट बिलियनियर बनी है, ठीक है, इस बंदी ने अपने मेकअप बिजनेस से सिर्फ ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ ऑन इंस्टाग्राम गाइस, ओनली ऑन इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ रुपीज कमाए हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से। ठीक है, तो सबसे बड़े टॉप के तीन नीशेस हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, फिटनेस, ब्यूटी, और जो थर्ड है गाइस वो है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने इसको ऐसे क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा नीश है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइस, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आप वीडियो क्रिएशन कर सकते हो, इसमें आप कोर्स सेल कर सकते हो, बना सकते हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज आपको मैं नीश से समझाने वाला हूँ कि नीश से आप कैसे $1,000 बना सकते हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि मैं हर नीश में हाथ डाल दूँ, मतलब मैं फिटनेस में भी सेलिंग करूँ, ब्यूटी में भी, मेकअप प्रोडक्ट में भी सेलिंग करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेलिंग करूँ, तो इज इट नॉट पॉसिबल ऑन इंस्टाग्राम? क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो टोटल डिपेंड है नीश पे। ठीक है, अगर मैं ऑन इंस्टाग्राम आपको लेके चलूँ, तो यहाँ तो गाइज, यहाँ मैंने एक अकाउंट खोला है काइली जेनर का। ये काइली जेनर का अकाउंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो इसकी फॉलोइंग कितनी है, 1.5K, 11,000 लोग की फॉलोइंग है इस बंदे की। अब कौन चला रहा है इस अकाउंट को आप नहीं जानते, लेकिन ये बंदा पैसे भी नहीं कमा रहा है। जैसे कि मैं पहले अकाउंट में पहले जो सॉरी पहला जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया कि कैसे कौन पैसा कमा रहा है और कैसे आप कमा सकते हो। तो ये बंदा बिल्कुल पैसे नहीं कमा रहा है, या बंदी पैसे नहीं कमा रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी सिस्टम है ही नहीं। अभी और भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, तो कितने सारे अकाउंट हैं काइली जेनर, काइली जेनर के नाम से काइली जेनर फैंस वैन। तो गाइस, ये क्या हो रहा है गाइस? ये हो रहा है कि
बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और उस मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स का ये लोग फायदा ले रहे हैं, ये इनका जो ऐसे वैसे आईडीज बना के फायदा ले रहे हैं लोग और अपने फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी कारणवश कि ये जो हिंदी देख रहे हो मेरी, इसी कारणवश ये जो बिजनेस है मेकअप को बहुत ज्यादा चल रहा है ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। फर्स्ट चीज की मैंने बात कर दी, जो दूसरी चीज है वो मैं एंटरप्रेन्योरशिप दिखाता हूँ। उससे पहले मैं काइली जेनर का मुख्य अकाउंट, मुख्य हिंदी वर्ड हिंदी, तो मुख्य अकाउंट जो है वो काइली जेनर का मैं आपको दिखाता हूँ और आपको और भी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये इनका मुख्य अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट है, जिसे इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से कमा लिए हैं, और रिसेंटली इनका न्यूज़पेपर और बाकी चीजों में नेम आया है, जिस चीज को इन्होंने इंस्टाग्राम से हासिल किया है। कहाँ से? इंस्टाग्राम से। तो कॉस्मेटिक मेकअप्स पूरी वही चीजें ये सेल करती हैं, और यंगेस्ट बिलियनियर्स के लिस्ट में अभी इनका नाम दर्ज हो चुका है, ठीक है। आप लाइक्स देख सकते हो, मिलियंस में लाइक्स आते हैं, मिलियंस में, और इंगेजमेंट भी आप देख सकते हो, 19.2 मिलियंस। तो आप अगर कोई लड़की हो तो आप मेकअप का भी सेम अकाउंट बना के ग्रोथ पा सकते हो, ये मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताना चाहता था, एग्जैक्ट चीज। जो सेकेंड चीज है फिटनेस, गाइस फिटनेस तो फैला हुआ है, मतलब आग लगी पड़ी है फिटनेस, इतने सारे फिटनेस के अकाउंट्स हैं। देखो गाइस, आप किसी भी फिटनेस के अकाउंट पे चले जाओ, वो हर बंदा के फिटनेस अकाउंट में कम से कम हजारों में फॉलोअर्स है, मतलब वो 10,000 के तो पार ही है, लाख भी हैं, मिलियंस भी हैं हर फिटनेस अकाउंट में। तो ये सब जो चीज है गैस, जो पर्टिकुलर चीज लोग कर रहे हैं, ये निश बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, निश। और यहाँ पर अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी दिखाऊं तो बहुत सारे अकाउंट हैं। तो गाइज देखो, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बहुत सारे अकाउंट है, और गाइज ये जो अकाउंट्स हैं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीश, बेस्ड ऑन नीश, ठीक है। हर अकाउंट बिजनेस कर रहा है, वो आप, मैं कैसे आपको बताया था आप ढूंढ सकते हो इस वीडियो में, ठीक है। कैसे मैंने आपको समझाया था कि कब कैसे आपको पता चलेगा कि अकाउंट बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, ये बंदे लोग भी वीडियो बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीश, बेस्ड ऑन नीश, तो ये अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप थ्री नीश, समझ में आ गया होगा आपको टॉप थ्री नीश क्या है, और इन नीश में मतलब बहती हुई गंगा में आप भी हाथ धो सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इजी है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी मैं आपको सिर्फ नीश एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीजें चल रही हैं और क्या आपको पकड़ना चाहिए। अब जो एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड मीम, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, सर मेरे पास मीम का अकाउंट है, मीम का अकाउंट है, मैं मीम के अकाउंट में क्या करूं, वो भी एक पर्टिकुलर नीश है, ठीक है। लेकिन सुनो, मीम जो है वो ज्यादातर इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि हम लोग विले लोग हैं, जो है वो है, ठीक है। हमारे देश में ज्यादातर विले लोग हैं, तो हम लोग मीम बहुत खेलते हैं और मीम करते रहते हैं, और इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा मीम का अकाउंट बना के रखा है। और क्योंकि मार्केट भी मीम का है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मीम उनको पसंद आता है, शेयर करते हैं, तो मार्केट हमारे पास मीम का है, ठीक है। लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे मार्केट नहीं है इतना बड़ा मीम का, ठीक है, जितना बड़ा इंडिया में। तो मीम पे हम क्या सेल कर सकते हैं, कैसे वहां से अर्निंग कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। अभी तीन नीश मैंने आपको बताया कि ये जो तीन नीश है आप आराम से इसमें हाथ धो सकते हो, बहती हुई गंगे में आराम से हाथ धो सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई और यहाँ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा जो मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे करके आपको पूरा अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन मीम में सेल क्या करना है वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ बता रहा हूँ। देखो, मीम में सेल करने की बहुत सारी चीजें हैं, यहां मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टी शर्ट्स। गाइस देखो, टी शर्ट्स चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो शूज हो, ठीक है, चाहे वो शूज हो,
या कैप्स, हुडीज, कुछ भी आप मीम्स में सेल कर सकते हो। अब वाई, मैं आपका वाई क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, मीम जो लोग शेयर करते हैं या मीम के पेजेस को जो लोग लाइक करके रखे हुए हैं, वो ज्यादातर लोग यंग लोग हैं, मतलब मैं और आप, हम लोग यंग लोग हैं, मतलब वो 24 साल, 25 साल, 26 साल, 22 साल, 20 साल, 19, 20, हाँ 17, 18, ये भी चल जाओ आप, 17, 18 भी, 19, 20 भी चल जाओ, तो ये सब बंदे अभी यंग हैं, कोई टीनेज है। तो ये लोग क्या पसंद करते हैं? ये लोग पसंद करते हैं फैशन, ज्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो फैशन पसंद करता है, ठीक है? जो भी यंग लोग हैं फैशन पसंद करते हैं, ये लोग हर दिन नए नए चीजें खरीदते हैं। तो फैशन इज द की इन द मीम अकाउंट, इन द मीम नीश, ठीक है? ये मैं आपको एग्जैक्टली आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, आप ऐसे टी शर्ट लेके आओ जो ट्रेंडिंग में हो। देखो, अब आप सोच रहे हो कि ट्रेंडिंग टी शर्ट, जैसे कि भुवन बम आप पकड़ सकते हो, भुवन बम, अमित बड़ाना, इन लोगों की टी शर्ट छापो, कुछ भी नहीं होता। आप इतने बड़े ब्रांड नहीं हो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? टी शर्ट छापो यानी क्या? टी शर्ट छापो यानी बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अपना डिजाइन करने के लिए बोलती हैं, तो आप कुछ उनका टैग वर्ड ले सकते हो। भुवन बम का बहुत सारा टैग वर्ड है, अमित बड़ाना का बहुत सारा टैग वर्ड है, तो आप वो बना के सेल कर सकते हो। जो लोग बहुत फेमस है ऑन यूट्यूब, बहुत ज्यादा जो फेमस है, जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, उनकी चीजें आप बना के सेल कर सकते हो, ट्रेंडिंग में बता रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी ट्रेंडिंग में कुछ भी, मान लो होली आने वाला है, ठीक है? तो होली में ट्रेंडिंग में आप होली की चीजें सेल करो, ठीक है? होली में क्या क्या सेल कर सकते हो आप? होली में बहुत सारी चीजें सेल कर सकते हो आप। ऐसे टी शर्ट लाओ जिसमें बहुत सारा रंग वंग लगा हो, तो वो चीज बना के सेल करो। अब मान लो होली में आपको अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना है, तो होली के जो टैग्स हैं उनका यूज करो, और प्लस होली की जो पिक्चर्स होती हैं, होली की जो अच्छे वीडियोज हैं वायरल है, वो यूज करो। जैसे अभी सरफ एक्सल का एक वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो आप वो वीडियो यूज करो। गाइस देखो, इसमें कॉपीराइट का सबसे बड़ा कोई टेंशन ही नहीं है, और प्लस आपके जो छोटे अकाउंट्स है, अगर कुछ होता भी है तो अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके मिलियंस और बिलियन सब्सक्राइब नहीं है। आप यहां से एक बूस्ट पा सकते हो और आगे जा सकते हो, ठीक है? तो मतलब मैं ये एग्जैक्टली आपको कहना चाहता हूँ, इसको बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आपका दिमाग कितना ज्यादा यूजेबल है, ठीक है? और कैसे $1,000 जनरेट करना है पर्टिकुलर नीश से, तो वो मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है, कितना कब सेल करना है आपको और कैसे आपको जनरेट करना है। तो वो काफी ज्यादा इजी चीज है गाइस, और आप बहुत आसानी से वो चीज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस आपकी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा ध्यान दो और वो वीडियो को फॉलो करो जिसमें मैंने पूरी सेटिंग्स बताई है, और मैं आगे बताने वाला हूँ पूरा सेटिंग करके, कैसे लिंक जमाना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? तो अभी जो वीडियो है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो पूरी नीश पे है। मैं यही बोलूंगा कि अगर जो भी बंदा कुछ भी करना चाहता है वो नीश के साथ ही जाए, अगर आप नीश के साथ नहीं जाओगे तो वो हलवा हो जाएगा, वो हलवा हो जाएगा, और वहां से आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम पूरा बेस्ड है नीश पे, नीश का पूरा खेल है गाइस। देखो, मैं एक एक चीजें आपको पर्टिकुलर समझाने की हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आपका जो माइंड है वो क्लियर हो सके। मेरा ये करना है, ये कोशिश है कि मेरी वीडियो फालतू ना जाए, कम से कम 10 लोग ऐसे हों जो कुछ सीख के जाए, और वो 10 लोग अप्लाई करें, बस सीख के जाए नहीं, अप्लाई करें। इसलिए मैं एक एक बेसिक चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता तो बस आपको ये नीश बता देता और आगे बढ़ जाता, हमेशा नीश नीश बोलते रहता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको समझाना ये चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम बेस्ड ऑन नीश ही चलता है, विदाउट नीश नहीं चलेगा इंस्टाग्राम। पूरा आप कोई भी देख लो ना, कितनी भी बड़ी पीजे वो नीश पे है, वो मिलीजुली सरकार नहीं है, ठीक है? और देखो, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो मिलीजुली सरकार होते हैं, वो कभी ये फोटो डालते हैं, कभी वो फोटो डालते हैं, लेकिन उनका भी ना एक नीश चलता है कहीं और, चाहे वो ब्लॉग पे चलता है, चाहे वो यूट्यूब पे चलता है, ठीक है? या कहीं और चलता है, या उनके काम से चलता है, लेकिन वो थोड़ी मिलीजुली सरकार रहती है, मतलब कुछ भी वो अपलोड करेंगे लेकिन वो इन्फ्लुएंसर इसलिए चल जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो पेज है वो बेस्ड ऑन बिजनेस है, तो वो नीश पे ही होना चाहिए माई फ्रेंड, नीश पे होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये दोनों, ये फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं 1K तक, और ये जो है ये वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि पूरा बिजनेस कैसे काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज, और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहां मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी वहां आके पूछो, मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। सी यू देयर, बाय बाय, टेक एक्शन फ्रॉम नाउ, इट्स इम्पॉर्टेंट। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।